अच्छा खैर ये बताओ कि इस बेजान पे इतना जुल्म क्यों? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सिग्नल ही नहीं आ रहा। अम्मी से बात करनी है, कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा। तुम अपना मोबाइल चेक करो। या श्योर। सर वो मैंने नोट किया है कि यहाँ पर सिग्नल्स का इशू है। मैंने इस घर के मखसूस जगहों पे मोबाइल जैमर्स लगाए, इसलिए सिग्नल्स का इशू। पर क्यों सर? मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्जी के बगैर कोई यहां से फोन करे। That's why. All right, sir. शरियार साहब, आपको एक बहुत ही खास काम के लिए चूज किया गया। सर यू बेटर डू इट वेल। आई मेक श्योर सर। यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू फेल। जैमर्स का कंट्रोल मेरे पास है, मैं जब चाहूं उन्हें ऑफ करूं या ऑन करूं। कोई इमरजेंसी हो तो फ्रंट लॉन में जाके फोन कर लेना, वहां सिग्नल जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, देखता हूं। वेट। अरे नहीं यार, मेरे सिग्नल्स में नहीं आ रहे। अरे क्या मसला है? हेलो अम्मी, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो आंटी, बॉल आई है हमारी। सॉरी आंटी, जोर की शॉट लग गया। मैंने इसे मना भी किया था कि हिट मत करना। आंटी बॉल दे देना, नहीं तो मम्मी दूसरी बॉल नहीं दिलवाएंगी। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आंटी आइंदा से हम जोर की शॉट नहीं लगाएंगे। तुम दोनों आराम से नीचे उतर जाओ, मैं बॉल फेंक देती हूँ। थैंक यू आंटी। को कैसे क्या वैशल
सब ठीक तो है? हाँ, वो साथ वाले बच्चों का बॉल आ गया था और ये सारा शीशा भी टूट गया। तुम फिक्र मत करो, जाके बॉल दे आओ बच्चों को, मैं देख लेता हूँ इसको। अच्छा, बॉल मिली? ये लो। थैंक यू आंटी, आप बहुत स्वीट हैं। कुछ नहीं, ये रेड कलर फनी लग रहा है। नहीं लग रहा। बॉल दे दी बच्चों को? हाँ। ईशल कहाँ जा रही हो, कॉलिंग करोगी? वो स्टोर, किचन में कुछ काम है। अरे काम होता रहेगा, पहले कॉल तो कर लो। सिग्नल तो वैसे भी नहीं आ रहे, तो कोई फायदा नहीं है, मैं बाद में कर लूंगी। वो वहां जाके ट्राई करो, जाओ। बाद में कर लूंगी मैं। कर लो ना कॉल। क्या हुआ? नंबर नहीं लग रहा, थोड़ी देर में फिर ट्राई करता हूँ। अरे सुबह से यही हो रहा है। हो तो तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो शमसा, सब ठीक ही होगा। नहीं, अगर शहरयार ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। थैंक यू मिसेस साहिर जमान सिद्दीकी। किस लिए? क्या आप नहीं जानते, आज कुछ किया है आपने? पड़ोस के बच्चों के वालिद मिले थे, थैंक यू कह रहे थे आप। तुम उनके बच्चों से मिली थी? बताया नहीं? बताने वाले थे खाने के बाद। चलो अब जिक्र हो गया तो आप बता दो। वो बच्चे खेल रहे थे ना, तो उनका बॉल आ गया था, तो वो बस वापस कर दिया, ज्यादा बात नहीं हुई। उनका बॉल यहाँ आ गया था। एक्सक्यूज मी, हमारे बाबा का फोन। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आज सुबह से आप ही का जिक्र हो रहा था जी। इस वक्त तो खाना खा रहे हैं, आइए ना आप भी, ईशल के हाथ का खाना खाएं, बहुत लजीज है। जी जी, ईशल यहीं बैठी है, ये ले बात करें, बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं ठीक हूँ, साहिर भी ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक, करवाएं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशल, सारी बातें अम्मी जान से खुद ही करोगी, मुझे भी फोन दो। अरे बात करनी है मुझको। एक मिनट, करवाती हूँ बात। अरे फिर मैं पढ़ाई के लिए चला जाऊंगा, टाइम नहीं मिलेगा ना। गिव इट टू मी। शरियार ने बात करनी है आपसे। यप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी मैं भी इसी घर में रहता हूँ,
आपका ही बच्चा हूँ, कभी मुझसे भी बात कर लिया कीजिए। आंटी साहिर ना आपके खाने की बहुत तारीफ करता है, तो मुझे भी बुलाइए कभी दावत। अरे नहीं नहीं आंटी, इतना वेट नहीं कर सकता मैं। जी जी आंटी, जी आंटी बिल्कुल सही। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शरियार, मैंने बात करनी थी उनसे। I'm sorry. वो एक्चुअली वो लोग खाने पे बैठने वाले थे, तो मुझे लगा फोन काट देना चाहिए। I'm really sorry यार। It's okay. ईशल, उठ के तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। मैं लाउंज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके भाई साहिर बेटा, एक बात तो कहनी पड़ेगी तुम्हें कि तुमसे ज्यादा दिल जीतने में कोई बाजी नहीं ले सकता। ये तो मेरा फर्ज है, आप लोगों को खुश देखकर मुझे सुकून मिलता है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? एक इन्वेस्टमेंट है। नहीं साहिर, मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि कहीं इन्वेस्ट कर सकूं। मेरे होते हुए आपको किस चीज की फिक्र? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पहले ही आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। आपने सही फरमाया, हमारे लिए किया, एज अ फैमिली। नहीं साहिर, मुझे इस वक्त ठीक नहीं लग रहा। आपको मुझ पे भरोसा है? हाँ वो तो है। तो बस हिम्मत करें, बाकी मैं संभाल लूंगा। आगे का भी सोचें, कल को कोमल की भी शादी करनी है। अच्छा चले, थोड़ा सा टाइम दें, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। काश हमारे हालात पहले भी ऐसे होते तो मेरी बेटी की तालियां अधूरी ना रह जाती। बहुत सेक्रीफाइस किया है मेरी बेटी ने। गुड मॉर्निंग साहिर। ये क्या है? यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म। किसका? तुम्हारा। मेरा? मैं कुछ समझी नहीं। तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हो? एक किस तरह कर सकती हूँ, घर में इतने काम होते हैं। शरियार के साथ चली जाना और फॉर्म सबमिट करा लो। लेकिन एडमिशन की डेडलाइन तो गुजर गई होगी। डेडलाइन की फिक्र मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। शरिया के साथ आया जाया करोगी, आसान होगी। तुम बस जाके एडमिशन की तैयारी। जी सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, ईशल को पता चल जाएगा और फंस जाऊंगा मैं। गाड़ी में एक और फॉर्म पड़ा है, तो पिछले महीने से यूनिवर्सिटी में हूं। किस तरह ये मैं नहीं जानता, मैनेज इट। सर लेकिन मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा? दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि कब कितने पैसे चाहिए। All right.
शरिया चले। क्या हुआ ईशल, तुम इतनी परेशान क्यों? पता नहीं, वो पता तुम्हें, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी इस सब के लिए। कितना मुश्किल होता है, पढ़ाई छोड़े कितना अरसा हो गया, सब कुछ आसानी से तो नहीं हो जाएगा ना? अरे ईशल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो यार, सब आसानी से मैनेज हो जाएगा। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ऐसा क्यों लगता है कि तुम भी यहाँ पहली बार आए हो? हाँ तो पहली बार ही आया हूँ। क्या? अरे मेरा मतलब तुम्हारे साथ पहली बार आया हूँ यार। कितने सवाल पूछती हो तुम, चलो घर चले। Come on, let's move. तो मैं अपने रूम में हूँ, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। टेक केयर। जी साहब। तुमने बताया नहीं कि बॉल से स्टोर की खिड़की का शीशा टूट गया था? वो मैं आपको बताने वाली थी, राइट? जी। वो तो नेबर्स की कॉल आई थी तो पता चला, वरना तुम्हें तो याद ही नहीं। अच्छा एक काम करो, स्टोर में जाओ। सी। आ गई हूँ स्टोर में। मैंने शीशे वाले को भेजकर रिपेयर करवा लिया था, देखो ठीक लगे। जी ठीक है। गुड, अब जरा स्टोर के अंदर देखो, कोई चीज मिसिंग तो नहीं? क्या कर रहे हैं? सब सुन। वेट, है? कुछ नजर तो नहीं आ रहा? Are you sure? Yes. No cheating, right? Are you ready? Sure? Here you go. भाई इतने अच्छे सरप्राइज पे एक हक तो बन